नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। मिशन शक्ति के तहत विश्व बाल दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर स्कूल की छात्राओं को बनाया गया एक दिन का थानेदार। कल दिनांक 20 नवंबर 2020 को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में विश्व बाल दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद अमेठी में बालिकाओं के सशक्तिकरण, विश्वास व जागरूकता का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों पर स्कूल कॉलेज की छात्राओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया। थाना गौरीगंज में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा काजल को, थाना मुंशीगंज में रानी सुषमा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा दीपिका अग्रहरी को, थाना जामो में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा अनामिका विश्वकर्मा, महिला थाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की छात्रा नैना कनौजिया को, थाना अमेठी में आरआरपीजी कॉलेज की छात्रा मानसी जायसवाल, थाना पीपरपुर में श्री आसलदेव इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका पांडे, थाना संग्रामपुर में शिव प्रताप इंटर कॉलेज की छात्रा सुहानी सिंह, थाना मुसाफिर खाना में मंगलम महिला महाविद्यालय की छात्रा स्वाति तिवारी, थाना जगदीशपुर में एचएल इंटर कॉलेज की छात्रा नजरीन बानो को, थाना बाजार शुक्ल में आदर्श इंटर कॉलेज की छात्रा सृष्टि शुक्ला को, थाना कमरौली में क्राइस्ट द किंग रोड नंबर 3 की छात्रा कुमारी ईरम को, थाना मोहनगंज में श्री प्रताप नारायण मिश्र इंटर कॉलेज की छात्रा अल्पिता साहू को, थाना जायस में कुंवर ग्लोबल स्कूल की छात्रा मान्या को, थाना शिवरतनगंज में जागृत इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका तिवारी को, थाना फुर्सतगंज में राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा शिवानी को एक दिन का थानेदार बनाया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा थाने पर आने वाली आम जनता का शिकायतों, समस्याओं को सुना गया तथा उनके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। थानेदार छात्राओं द्वारा थाने के अभिलेखों की जानकारी ली गई। छात्राएं जनपद पुलिस के साथ कार्य करके काफी उत्साहित रही। अमेठी पुलिस को धन्यवाद दिए। मध्यांचल ब्यूरो के साथ अमेठी से बीजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।